नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल पे देखा कि अब 1 अप्रैल 2024 से मैनुअल इनवॉइस बनने बंद हो जाएंगे, लेकिन ये किस कंडीशन के अंदर बंद होगी वो इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। यानी कि आज के इस वीडियो का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो है ई इनवॉइस के बारे में, क्योंकि अब फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है वो लगभग क्लोज हो चुका है। अब काफ़ी सारे ऐसे बिजनेसमैन होंगे जिनके ऊपर 1 अप्रैल यानी कि दो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर उनके ऊपर ई इनवॉइस बनाने की लायबिलिटी बन जाएगी। तो अब ई इनवॉइस की लायबिलिटी बनाने का क्या क्राइटेरिया है वो इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप जरूर देखना ताकि आपको पता चल सके भी आपको 31 मार्च 2024 तक जो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा तो आप वहाँ पर किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा ताकि आपको पता चल सके कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमें ई इनवॉइस बनाना है या नहीं बनाना। अगर ई इनवॉइस आपको बनाना पड़े तो किस कंडीशन के अंदर आपको बनाना पड़ेगा और ई इनवॉइस आपका किस प्रकार से तैयार होगा, तो सब कुछ इस वीडियो में आपके सामने रहेगा। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नई नई वीडियो लगातार और भी मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ई इनवॉइस के कंसेप्ट के बारे में, और अब आपका मैनुअल इनवॉइस बनना बंद क्यों हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे टैली सॉफ्टवेयर के अंदर, यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है। अब आपको सबसे पहले एक बात का ध्यान में रखना है, आप चाहे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कोई भी हो, सबसे पहले आपको 3B की रिपोर्ट्स निकाल लेनी है। इसके लिए आपको स्टेट रिपोर्ट्स, GST रिपोर्ट्स और GSTR 3B, यहाँ पर आपको करना क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर F2 करके 1/4/2023 टू 31/3/2024 का पीरियड आपको यहाँ पे देना है। जैसे हम देंगे तो हमारी जितने बिजनेस की टोटल सेल होगी वो आपकी 3B की रिपोर्ट के अंदर आ जाएगी। अब हम बात करते हैं ई इनवॉइस की लाइबिलिटी आपके ऊपर कंपनी की कब बनेगी। अब ई इनवॉइस की जो लाइबिलिटी हमारी बनने वाली है वो इस कंडीशन के अंदर बनेगी भी अगर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर अगर कंपनी की जो टर्नओवर है यानी कि जो टोटल सेल है वो अगर 5 करोड़ से ज़्यादा की हो चुकी है। अब ये रिपोर्ट टोटल जो सेल है वो आपको इस 3B रिपोर्ट के अंदर ही दिखेगी, ठीक है ना। अब आपने पोर्टल पे कितनी फाइल करी, क्योंकि पोर्टल पे तो अभी तक आप फरवरी मंथ तक की GST 3B फाइल कर चुके हैं, लेकिन अभी मार्च की तो रिटर्न अभी जानी बकाया रहेगी और वो जाएगी 20 अप्रैल 2024 तक, तब तक हम काफ़ी लेट हो चुके होंगे। तो आपको अपनी बुक्स की जो टोटल सेल है वो आपको 3B में से देख लेनी है, चाहे आप ट्रेडिंग अकाउंट में जाके सेल अकाउंट से वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमारी कंपनी की अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा रहेगी तो ये ई इनवॉइस बनाने की जो लायबिलिटी है वो आपकी कंपनी के ऊपर बन जाएगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम बात करेंगे, वैसे तो आप ये जो PDF फाइल है, PPT फाइल है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप यहाँ पे जाओगे नेट के ऊपर और क्रोम पे eInvoice.1GST.gov की साइट पे जाओगे और वहाँ आप इसको PPT ऑन eInvoice सिस्टम पे डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर ये टोटल कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको बताता हूँ। पहला चैप्टर हमारा एक क्लियर हो गया कि अगर कंपनी की टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा की हो चुकी है तो eInvoice आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन अब बात आएगी भी eInvoice बनाएगा कौन और ई इनवॉइस होता कैसे है। अब इश्यू करने वाला कौन है, सप्लायर। किसको करेगा, बायर को, यानी कि सप्लायर का मतलब कौन हो गया, जो गुड्स है बेचने वाला, ठीक है, यानी कि कंपनी का ओनर, और ये आपका रह जाएगा यहाँ पे बायर यानी कि कस्टमर। अब ये सप्लायर अब अपने बायर्स को गुड्स को सेल करेगा, और अब देखो बायर दो कंडीशन में दो तरीके के होंगे, एक रजिस्टर्ड और दूसरा अनरजिस्टर्ड, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपके पास तो GST नंबर है ऑलरेडी है, और अगर आपका बायर भी GST के अंदर रजिस्टर्ड है, उसके पास भी GST नंबर है यानी कि वो रजिस्टर्ड है, यानी कि वो उसकी सप्लाई हम किसको मानते हैं, B2B की, और अनरजिस्टर्ड कौन सी होती है हमारी, B2C की। तो अगर आपने अपने कस्टमर को जो कि रजिस्टर्ड है B2B है, तो उसको अगर आपने कोई गुड्स सेल किया है और वो गुड्स टैक्सेबल गुड्स है, चाहे वो 5 हो 12 हो 18 हो 28 हो, कोई भी किसी भी परसेंटेज का गुड्स हो, तो आपको ई इनवॉइस पोर्टल पे जनरेट करना कंपलसरी हो जाएगा आपके लिए।
अगर आपका कस्टमर अनरजिस्टर्ड यानी कि वो B2C है तो फिर आपको ई इनवॉइस नहीं बनाना। अब आप ई इनवॉइस नहीं बनाना का मतलब हो गया भी जैसा अभी तक हम इनवॉइस बनाते आ रहे थे 31 मार्च 2024 तक वैसा ही इनवॉइस आपको अपने कस्टमर को इशू करके देना होगा सॉफ्टवेयर से, ठीक है। अब बात आएंगी भी ई इनवॉइस और नॉर्मल इनवॉइस के अंदर क्या फर्क होगा। अब जो आपका ई इनवॉइस बनेगा वो पोर्टल पे बनेगा और पोर्टल के अंदर आपके ऊपर क्या रहेगा कुछ इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। अब इसके अंदर यहाँ पे देखो जो ई इनवॉइस आपका बनेगा ना, अब उसके अंदर क्या रहेगा इनवॉइस कॉपी विद ए QR कोड कंटेनिंग IRN नंबर, ठीक है ना। अब इसके अंदर यानी कि एक QR कोड भी रहेगा और उसका IRN नंबर भी जनरेट होगा। हम यहाँ पे देखते हैं इसका, ये कुछ इस तरीके से आपका दिखेगा। अब ये एक तरीके का टैक्स इनवॉइस है, ये एक सैंपल है और यहाँ आप देख सकते हो ये IRN नंबर आ रहा है। ये IRN नंबर जनरेट पोर्टल से होगा और ये इसका QR कोड होगा। आप यहाँ देख सकते हो लिखा हुआ है ई इनवॉइस, यानी कि ये बिजनेस टू बिजनेस टू बिजनेस टू बिजनेस यानी कि B2B की सप्लाई के गेस्ट के अंदर ये ई इनवॉइस है जो हमारा इश्यू आपको करना पड़ेगा। बाकी आपका जो इनवॉइस है वो वैसे ही बनेगा, स्टॉक आइटम वगैरह वो डिटेल सारी वैसी रहेगी। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन ये भी रहेगी कि आपका जो HSN कोड है वो यहाँ पर 6 डिजिट का होना चाहिए उन सभी स्टॉक आइटम्स के अंदर। बिना HSN कोड का आपका ई इनवॉइस है जो आप पोर्टल पे बनेगा ही नहीं और बना भी नहीं सकते, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात आएगी भी ई इनवॉइस के अंदर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट के अंदर ई इनवॉइस बनाने होंगे। सबसे पहला रहेगा इनवॉइस जो अभी तक हम जिसकी बात कर रहे हैं टैक्स इनवॉइस, ठीक है। दूसरा, अगर आपने अपने B2B को भी क्रेडिट नोट भी अगर इशू किया तो भी आपको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। अगर इसके साथ साथ अगर आपने कोई डेबिट नोट इशू किया है रजिस्टर्ड व्यक्ति को तो भी आपको ई इनवॉइस बनाना पोर्टल पे जरूरी होगा, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पर ई इनवॉइस है जो जनरेट करेंगे तो ये हमारे GSTR 1 की सेल के अंदर हमारे पोर्टल के ऊपर ऑटोमेटिक है जो अपडेट होते रहेंगे। तो अब आपको एक बात का विशेष ध्यान में रखना है, जब भी आप अपने रजिस्टर्ड व्यक्ति का पर्सन का अगर आप ई इनवॉइस बना रहे हो तो वो ई इनवॉइस आप 24 घंटे के बाद के अंदर आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, एक ध्यान रखना। अगर आपको कैंसिल करना हो तो 24 आवर्स के अंदर यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप अपने इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हो। अब यहाँ पर बात आएगी ई वे बिल की, तो अब यहाँ पर ई वे बिल एक अलग मैटर है, ठीक है ना। अब मान लीजिए अगर आपकी जो सप्लाई है वो ई वे बिल की लिमिट से कम है, मान लीजिए वो 5,000 रुपये का ही गुड्स है, तो यहाँ पर आपकी ई वे बिल बनाने की तो लाइबिलिटी बन नहीं रही, लेकिन ई इनवॉइस की बनेगी। ई इनवॉइस के अंदर कोई लिमिट नहीं है, आप 1 रुपये का भी कोई गुड्स है जो सेल कर रहे हो अपने B2B को रजिस्टर्ड व्यक्ति को तो भी आपको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा, ठीक है। ई वे बिल की जो लिमिट्स है हमारी, मान लीजिए 50,000 है या 1,00,000 रुपये की है, अगर वो वैल्यू इसके ऊपर निकलती है तब आपको ई वे बिल और ई इनवॉइस दोनों आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब ई इनवॉइस का आपको बेनिफिट ये रहेगा भी जैसे आप ई इनवॉइस बनाओगे तो आपका ई वे बिल भी ये ऑटोमेटिक है जो जनरेट कर देगा। अब बात आएगी भी हमें इसको ई इनवॉइस को बनाना कैसे है। तो अब ये ई इनवॉइस आप दो ऑप्शन आपके पास रहेंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको मैनुअली पोर्टल पे JSON फाइल के थ्रू भी आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आप बार बार तो आप पोर्टल पे जाके बनाओगे नहीं, तो इसलिए आप जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ साथ ये आपका जो है ई इनवॉइस का सिस्टम वो इंटीग्रेट हो जाएगा। आपका सॉफ्टवेयर आप जैसे ही टैक्स इनवॉइस इशू करोगे अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से तो वो डायरेक्ट आपका रिडायरेक्ट हो जाएगा ऑनलाइन GST के ई इनवॉइस के पोर्टल पे। तो वहाँ पर वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको सब कुछ ऑटोमेटिक है जो क्रिएट करके देगा, आपको बारी बारी जाके मैनुअली बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इनवॉइस कम बनाते हो तो आप एक आधा इनवॉइस आप JSON के थ्रू डायरेक्ट पोर्टल पे जाके भी टूल्स के थ्रू डाउनलोड करके टूल के थ्रू भी आप जो जनरेट कर सकते हो, अदरवाइज आपको करने की जरूरत नहीं। आजकल सब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ये सिस्टम आपका IRP का बना हुआ सॉफ्टवेयर आपको अपने आप ही बना के देगा। जैसे ही बना के देगा तो ये सारी बातें आपके उस इनवॉइस के ऊपर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी, QR कोड IRN नंबर। अब ये जरूरी नहीं है कि आप जैसा इस इनवॉइस के अंदर आप देख रहे हो भी यहाँ पर ये जो QR कोड है ये हमेशा टॉप पे रहना चाहिए, ये यहाँ पे बॉटम में हो सकता है, मिड में हो सकता है, साइड में हो सकता है, ये IRN नंबर यहाँ पे नीचे की साइड में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनवॉइस के ऊपर होना जरूरी है, इस बात का आपका विशेष में ध्यान में रखना है। तो आई होप कि आप इस
बात से सारी क्लियर होगी होगी भी इनवॉइस की बनाने की जो आपके ऊपर लायबिलिटी है वो कब बनेगी, अगर आपकी कंपनी की 23-24 के अंदर आपकी जो टोटल सेल है वो 5 करोड़ से ज्यादा की हो चुकी है तो 1 अप्रैल से ही आपके ऊपर ये लायबिलिटी बनेगी। तो इसलिए आप अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करवा लीजिए और उनके साथ साथ आपका IRP नंबर भी उनके साथ में इंटीग्रेटेड करवा लीजिए ताकि आपको किसी भी प्रकार के 1 अप्रैल से कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगर फिर भी अगर आपका कोई इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका रिप्लाई आपको दे देंगे। और वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर लेना क्योंकि तो आगे भी आपको इसी टाइप की नई नई अपडेट वीडियो लगातार हम देते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।